छह बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं यूपी से। यूपी में नगर निकाय चुनाव टल गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कहा कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद ही चुनाव कराएंगे। रुक करेंगे दूसरी बिग ब्रेकिंग का। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण ना दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाए। आगे बढ़ेंगे तीसरी बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। हाई कोर्ट के फैसले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चौथी बड़ी खबर हाईकोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों को धोखा दिया। रुक करते हैं पांचवी बिग ब्रेकिंग का। निकाय चुनाव के फैसले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ों का हक मारा है। 6 बजे की 16वीं छठी बड़ी खबर कोरोना से बचने के लिए देश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। सातवीं बड़ी खबर 6 बजे की मॉक ड्रिल के दौरान कोविड वार्ड की स्थिति और तैयार बेड का जायजा लिया गया। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आने वाले वक्त में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 6 बजे की आठवीं बड़ी खबर नेजल वैक्सीन को लेकर दाम तय कर दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में नेजल वैक्सीन की एक खुराक की कीमत करीब 1000 रुपए है। और अब बड़ी खबर 6 बजे की प्राइवेट अस्पतालों को भारत बायोटेक से एक खुराक 800 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा इस पर 5% जीएसटी भी लगेगा। दसवीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। उप महापौर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। आज दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 6 बजे की 11वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी को श्रीराम बताने पर घिरे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। खुर्शीद ने राहुल को बताया राम कांग्रेसियों की तुलना भरत से की और कहा कि राहुल योगी की तरह हैं जो अपनी तपस्या पूरे ध्यान से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई। खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने एतराज जताया। कहा खुर्शीद की टिप्पणी हिंदू आस्था का अपमान है। क्या जनउधारी राहुल इससे सहमत हैं? 13वीं बड़ी खबर 6 बजे की आज टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तुनिशा शर्मा के सुसाइड के 3 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ। मीरा रोड स्थित शमशान घाट पर हुए अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल हुई। आगे बढ़ेंगे 14वीं बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है जहां ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लाहौल और स्पीति जिले के शिंकुला दर्रा में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे 15वीं बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते यहां गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। 16वीं बड़ी खबर 6 बजे की मदर डेयरी के दूध के दाम आज से बढ़ गए हैं। मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। मदर डेयरी ने इस साल 5वीं बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। गाय के दूध और टोकन वाले दूध की कीमतों में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।